और बढ़िया सेक्टरों में 40-40 लाख 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए के हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। अगर यहाँ पर वो फैसिलिटी आ जाए तो यहाँ भी वही रेट होगा जो आज रोहिणी के हर सेक्टर में है। सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हैं गेट के ऊपर। पहले यहाँ पे लोग कम थे, अब तो लोगों की भी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लग गई है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, जिम है, पार्क बना हुआ है, झूले हैं, सब कुछ लगा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो ये फ्लैट दिखाई दे रहे होंगे, ये रोहिणी सेक्टर 34 के DDA के LIG फ्लैट हैं। आज आप सोचते होगे यहाँ कोई नहीं रह रहा, ना यहाँ आबादी है और ना कोई फैसिलिटी है, मगर आपको ये फ्लैट मिल भी तो इतने सस्ते रहे हैं। अगर आपको फैसिलिटी वाले फ्लैट चाहिए वो यही फ्लैट और बढ़िया सेक्टरों में 40-40 लाख 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए के हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। अगर यहाँ पर वो फैसिलिटी आ जाए तो यहाँ भी वही रेट होगा जो आज रोहिणी के हर सेक्टर में है, पूरी दिल्ली के हर जगह है, यहाँ भी वो रेट होगा। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अभी कोई फैसिलिटी नहीं है। आएगी, इन्वेस्टमेंट करो, रहना चाहते हो रह सकते हो। क्यों? यहाँ अभी स्कूल कॉलेज वगैरह सब आना है, आएगा। कुछ सालों में यहाँ पर आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी आबादी होने वाली है। क्यों ना ऐसी प्रॉपर्टी ली जाए जहाँ अभी इन्वेस्टमेंट करने में एक तो हमें बहुत सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी और 4-5 सालों में आपको 4-5 गुना प्रॉफिट भी देगी। यहाँ और नरेला इससे भी आगे जाने वाला है, रोहिणी को भी पीछे छोड़ देगा, इतनी बढ़िया वहाँ पर प्रॉपर्टी बन रही है। आज वो वक्त है, वो टाइम है कि आप नरेला और रोहिणी आएँ सेक्टर 34 में, और रोहिणी के नरेला के और भी सेक्टर हैं, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, आज ले ले। आने वाले टाइम में आप सोचोगे कि वहाँ तो कुछ था नहीं इस करके हमने लिया नहीं। जहाँ कुछ नहीं होता वहीं तो सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है, जहाँ होता है वहाँ तो भी करोड़ों रुपए का आज के काम में व्यापार चल रहा है, आप ले ही नहीं सकते। आज ले लो, आपकी प्रॉपर्टी भी आने वाले समय में करोड़ों की होने वाली है, 4-5 गुना रेट बढ़ जाएंगे। आज मौका है, क्यों गवाते हो? ऐसी प्रॉपर्टी क्यों छोड़ते हो? फैसिलिटी से मत डरो, सब कुछ आएगा, कुछ थोड़ा वेट करो मगर ले लो। आज आपको 10 लाख रुपए में मिल रहा है, वही फ्लैट आपको 4-5 साल बाद 25-30 लाख का मिलेगा। अगर आप भी 25-30 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आज ले लो। क्यों 25-30 लाख रुपए के होने के बाद आपका नुकसान करते हो कि भाई उस वक्त फैसिलिटी नहीं थी तो लिया नहीं? आप आज ले लोगे तो 15-20 लाख रुपए का आपकी बचत भी तो होगी, तो ले लो। हमारा ऑफिस है नरेला में भी, रोहिणी में भी, हमसे आके मिले, हमें कॉल करें आने से पहले। अगर हम नरेला में होंगे तो हमको टाइम दो, हम नरेला से रोहिणी आएंगे। अगर रोहिणी में होंगे, अगर आपको नरेला की प्रॉपर्टी देखनी है तो हमसे कॉल करो आने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जो आज के टाइम में एक अच्छी प्रॉपर्टी लेना चाहता है। तो ये पीछे देख सकते हैं, आज के टाइम में ख़रीदने के लिए सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है और यही है, तो ले लो। क्यों नहीं लेना चाहते? आने वाले टाइम में ये ना कहना कि आपको मैंने इतनी अच्छी प्रॉपर्टी दिखाई थी, वो भी इतने कम दामों में। तो आज मौका है, ले लो।
धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो। इसी मंगल कामना के साथ आपको थोड़े लोगों से मिलवाते हैं। लोगों से हमारी बातचीत हुई है और वो बताते हैं कि कैसे रह रहे हैं, और आपको फ्लैट अंदर से दिखाते हैं किस तरीके का है। रोहिणी सेक्टर 34 है ये, और DDA के फ्लैट हैं, LIG फ्लैट। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो। 2-3 स्टार्ट। मेरा नाम सौम्या है, मैं सेक्टर 34 में रहती हूँ। आप भी आओ सेक्टर 34 में रहो। एक नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। और आप ये कौन सी जगह पे है? ये सेक्टर 34 है, पॉकेट 4 है, सनराइज रेजिडेंसी। अच्छा, अब तो यहाँ का माहौल कैसा है? आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? मेरे को यहाँ 2 ईयर हो गया रहते हुए। और यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल यहाँ का सारा कुछ फाइन है, बस प्रॉब्लम कन्विंस की है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। थोड़ा सा आप मेरे को थोड़ा गाइड करो, मतलब बाउंड्री वॉल वगैरह है यहाँ पे? हाँ, सब कुछ है, सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हैं गेट के ऊपर। अच्छा अच्छा, और मतलब कौन कौन सी फैसिलिटी है यहाँ पे रहने लायक? पानी की, बिजली की, वो तो सारी फैसिलिटीज हैं ही हैं अवेलेबल यहाँ पे। और शॉप भी खुल गई, अब तो पहले शॉप भी नहीं थी यहाँ पे, तो किराने की शॉप भी। नियरली आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 2 ईयर कम्प्लीट हो गए। अच्छा, 2 ईयर। और तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ रह के? पहले यहाँ पे लोग कम थे, अब तो लोगों की भी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लग गई है, फ्लैट में काफ़ी लोग भी आ गए हैं पहले के अकॉर्डिंग। जिस हिसाब से कोरोना हुआ है उसके बाद में यहाँ पे लोग ज़्यादा रहने लगे, और यहाँ पे सेफ भी है। अच्छा, कोई सेफ्टी इशू वगैरह ऐसा नहीं है, कम्प्लीट सेफ है यहाँ पे? अच्छा, और आप बच्चे वगैरह हैं आपके? हाँ जी, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, जिम है, पार्क बना हुआ है, झूले हैं, सब कुछ लगा हुआ है। और स्कूल वगैरह की क्या फैसिलिटी है? स्कूल वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, स्कूल के लिए हमें दूर ही जाना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, स्कूल वगैरह नहीं, वाला या शहबाद डेरी, यहीं जाना पड़ता है, पास में नहीं है। अच्छा, मतलब उसके अलावा जैसे आपने कहा कोई कन्वेंस है, अगर किसी ने बाहर जाना हो सेक्टर 34 से दिल्ली में कहीं चांदनी चौक सदर बाजार, तो कुछ कनेक्टिविटी है यहाँ पे? नहीं नहीं, वो एक मॉर्निंग में एक बस आती है 8 o'clock, सिर्फ वही है, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि लोग उसी टाइमिंग पे ही जाएं, क्योंकि लोगों का तो अलग अलग होता है, बस कन्वेंस की प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो यहाँ आके अपना घर लेना चाहते हैं, कि कैसे वो क्या यहाँ रहने आ सकते हैं? हाँ, छोटी फैमिली के लिए तो सफिशियंट है, पर बड़ी फैमिली के लिए थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि रूम्स यहाँ पे इतने बड़े नहीं हैं, ठीक ठीक ही हैं। मतलब छोटी फैमिली आसानी से आ सकती है यहाँ पे रह सकती है? फ्रेंड्स फैमिली के लिए नहीं है। और इसका नाम क्या है? हेलो, आपका नाम क्या है? इसका नाम है पवनप्रीत कौर। पवनप्रीत कौर, आप पंजी सरदार हो तो फिर वो बोल दो, बोले सो निहाल शास्त्री। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, आप लोग कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। तीसरी। और आप लोग कहाँ रहते हो? और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या क्या चीजें खेलते हो यहाँ पे? झूला झूलते हैं, गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं।